देश के गांव-गांव में कोरोना फैलता जा रहा है। हम लगातार आपको देश के छोटे छोटे गांव की रिपोर्ट्स रोज आना दिखा रहे हैं। आज हम आपको यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऐसे 7 गांव के हालात दिखाएंगे जहां कोरोना ने चुपचाप विकराल रूप ले लिया है। यहां के कई गाँव में तेजी से लोगों की सर्दी, खांसी, बुखार से मौत हो रही है, लेकिन फिर भी लोग कोरोना टेस्ट करवाने से मना कर रहे हैं। गांव में सुविधाओं की कमी तो है ही, साथ ही साथ लोगों में गलतफहमी और डर भी बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में आखिर इस महामारी से लड़ें तो कैसे लड़ें? दिखाते हैं आपको गांव में फैलती महामारी पर एबीपी न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना महामारी अब शहरों से गांव का रुख कर चुकी है। खास तौर पर यूपी, हरियाणा जैसे राज्यों में तो इसने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। सिर्फ यूपी की ही बात करें तो अब कोरोना के 65% मामले गांव से आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको आज 4 राज्यों के 7 गांव की रिपोर्ट दिखाएगा जहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये है पश्चिमी यूपी के मेरठ का जंगेठी गांव। यहां पर कोरोना के कहर के बीच गन्ने की कटाई का काम जारी है। इस मौसम में गांव से लेकर खेत खलिहान तक मेला लगा रहता था, लेकिन अब गलियां सूनी पड़ी हैं। बस मौत है और उसका मातम। हर घर पर दर्द का पहरा है, दर्द के उस पार बेबसी है, अपना और अपनों की जान ना बचा पाने की। इस समय सबसे बड़ी चुनौती गांव में कोरोना के संक्रमण को रोकने का है। बार बार ये कहा जा रहा है, यानी दावा किया जा रहा है कि धीरे धीरे शहरी इलाकों में कोरोना का संक्रमण घट रहा है, लेकिन शहरों की बात तो छोड़ ही दीजिए, गांव में सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त। क्योंकि गांव में ना तो इलाज के उपाय हैं, ना अस्पताल है, ना टेस्टिंग है, ना किसी को उस तरह की समझ भी है। तो अगर यहाँ कोरोना का विस्फोट हो गया तो समझिए भगवान ही मालिक है। काफी दिनों से चल रहा, करीब ये समझो पिछले महीने की 4-5 तारीख से, अब तक 25-26 मौत हो चुकी। 25-26 मौत कितने दिनों में? ये समझो एक महीने के अंदर अंदर। एक महीने में आप कह रहे हैं 25-26 मौत? के मरीज को ले जाके डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर कोई पकड़ता नहीं, दवाई देने के लिए तैयार नहीं है, डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करते हैं फिर अपने घर ही लिया। मैं बहुत ज्यादा है यहाँ तो, एक पूरे यहाँ से वहां तक पता नहीं कितने लोग जाते रहे। मेरे घर वाली ऑलरेडी गई है, मेरे सामने वालों की। आपके परिवार में क्या हुआ? वहाँ क्या बुखार आया था, खांसी हुई, भर्ती किया था मेडिकल में जाके छुट्टी। एक इस घर में डेथ हुई है, एक इसकी हुई सामने, ये ऋषिपाल चौधरी साहब है, ये एक ये भैया, इनके वाइफ, इनका घर हुआ ये। एक आ गया उस घर में है, एक उस पांच डेथ इसी मोहल्ले में हुई है अभी। ये जहां हम खड़े हैं, इसके आसपास के 5 मकानों में 5 मौत की खबर इस जंगेठी गांव में है। जंगेठी गांव की आबादी करीब 6,000 है। ये गांव किसी अनहोनी के डर में जी रहा है। 3-4 लोगों को छोड़कर किसी को टीका नहीं लगा है। जब एबीपी न्यूज की टीम गांव पहुंची तो 3-3 घरों पर 13वीं की पूजा हो रही थी, जिनके घर पर किसी की मौत होती है। इस गांव की कहानी जो है वो घर घर की कहानी है, और ये घर घर की कहानी नहीं, यूपी के अधिकतर गांवों की कमोबेश यही कहानी है। सरकार के अपने दावे हैं, उसके अपने आंकड़े हैं, और सच्चाई जमीन पर उससे बिल्कुल अलग है। और रिपोर्ट जो है ये जो टाइम पे नहीं आती ना, ये दिक्कत सबसे बड़ी है। अगर किसी का जांच करके गए तो अगर वो एक 24 घंटे के अंदर भी मिल गई तो उसे हम अलग कर सकते हैं, और वो 8-8 दिन बाद आ रही है तो उसमें दिक्कत आ रही है फिर। ये है यूपी के रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र का सुल्तानपुर खेड़ा गांव।
यहाँ बीते एक महीने में कोरोना से लगभग 2 दर्जन मौतें हो चुकी हैं। इतनी मौतों की खबर सुनकर जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में उप जिला अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारियों की निगरानी में स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव भेजा गया। पूरे गांव में सैनिटाइजेशन कराया गया। सबसे खास बात यह है कि प्रशासन की टीम के पहुंचने के बाद गांव के लोगों में एक डर था कि अगर कोरोना पॉजिटिव निकल आया तो उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। इस डर के कारण लोग घरों से कोरोना टेस्ट के लिए नहीं निकल रहे थे। डीएसपी डॉक्टर अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने माइक से अनाउंस करके लोगों से ना घबराने की अपील की, जिसके बाद ही लोग टेस्ट को राजी हुए। इस महामारी से बचाव के लिए कृपया सभी लोग टेस्ट कराएं, डरें मत, घबराएं मत। टेस्ट के बाद आपको किसी भी अलग अस्पताल में नहीं ले जाया जा रहा। अगर ऐसा कुछ होता है, टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो आपके घर में ही आपको होम क्वारंटीन किया जाएगा। उप जिला अधिकारी अंशिका दीक्षित ने भी घर घर जाकर महिलाओं से बातचीत की और उन्हें कोरोना के बारे में जागरूक किया। इन्होंने लोगों को समझाया कि कोरोना से कैसे बचें और क्या क्या करें क्या ना करें। सुल्तानपुर खेड़ा गांव में बच्चों में भी कोरोना संक्रमण देखा गया। टेस्ट के दौरान गांव में 7 से 12 साल की उम्र के 3 बच्चे भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। हाँ, पूरा गाँव बंद है, पूरा ब्लॉक कर दिया गया, बाहर से कोई ये नहीं आ पा रहा है। जीविका सब कोई बैठा है, कोई जीविका नहीं चल रही, सब दुकानें बंद पड़ी हैं। गांव में यहाँ पे कोविड पॉजिटिव का अभी तो जांच हुई थी, उसमें सिर्फ कल तो 6 पॉजिटिव आए थे। कल उनको सारी मेडिसिन टीम आके दे गई है जतुआ से, और जो बाकी हैं आज जैसे कि जिनको सर्दी जुकाम बुखार होता है वो सेंटर पर आके दवा ले लेते हैं। हरियाणा के गाँव में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। ये तस्वीरें जींद के किला जफरगढ़ गाँव की है। यहाँ एक महीने में 20 से ज्यादा मौत हो चुकी है। मौत साधारण वायरल बुखार से हो रही है या कोरोना से, ये कहा नहीं जा सकता। दिक्कत ये है कि सच्चाई जानने के लिए लोगों का कोरोना टेस्ट जरूरी है, लेकिन लोग डर के मारे कोरोना टेस्ट ही नहीं करा रहे। गांव वालों को इस बात का डर है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर उन्हें कोरोना बताकर आइसोलेट कर देंगे। गाँव में बुजुर्ग लोगों में इस बात का भी डर है कि वैक्सीन लगवाने से उनकी मौत हो जाएगी। कोरोना की वजह से बुरा हाल हुआ पड़ा है, चारों ओर डर का माहौल फैला हुआ है, जिसकी वजह से गांव वाले शहर की तरफ भी नहीं जा पा रहे। ये कोरोना की वजह से गांव में काफ़ी सारी मौतें हो चुकी हैं, और बाहर से कोई भी बाहर का कोई अन्य अधिकारी जैसे मेडिकल स्टाफ से हमें कोई भी सुविधा प्रोवाइड नहीं हो पा रही। सरकार से निवेदन है कि हमारे गाँव में डॉक्टरों की टीम भेजी जाए। नहीं, कोई आ ही नहीं रहा जी, मुख्यमंत्री ने बोला तो कोई आ तो नहीं रहा। हमारे यहाँ तो इतनी परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। गांव के लोग टेस्ट कराने के लिए जा रहे कहीं? हाँ जा रहे हैं जी, बार बार जा रहे हैं। ये प्राइवेट का जा रहे हैं, वो भी क्या रुपए रुपए बना रहे हैं। अरे भाई, एक भी घर खाली नहीं, 5-5, 6-6 खाट पड़ी है। अच्छा जी। हाँ, आराम टेस्ट कराने जानते नहीं, जानते कोरोना बताऊ, हम अपने कड्डे कुडे घर ले रहे हैं। जीन का सिविल अस्पताल प्रशासन ये तो मानता है कि गांव में कोरोना फैल रहा है, लेकिन जो मौत हो रही है उसकी वजह कोरोना है उसकी पुष्टि नहीं कर रहा। हालांकि प्रशासन ने अब हर गांव के लिए कोविड केयर सेंटर बना दिए हैं, जहां 3 लेवल पर अलग अलग कमेटियों की निगरानी रखने का काम दिया गया है। कागजों पर तो कमेटियां बन गई हैं, लेकिन असलियत ये है कि गांव में अभी तक स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम नहीं पहुँची है। हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि वे इतनी ज्यादा डेथ हो गई है, और किला जफरगढ़ में हमने जाँच पड़ताल करवाई है, वहां पे कुछ डेथ हुई है, लेकिन जो कोविड पॉजिटिव थे वो सिर्फ 2 ही थे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कोरोना कहर बरपा ही रहा है। अब कोरोना की वजह से होने वाले ब्लैक फंगस से भी लोग घबरा रहे हैं। यहां पर कोविड संक्रमण ठीक होने के बाद म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है, जिसमें मरीज की आंख की रोशनी चली गई है। इटारसी के प्रताप वर्मा 4 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हुए थे और उपचार के बाद इनका कोरोना संक्रमण ठीक हो गया था, लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ही अचानक इनकी आंखों में ब्लैक फंगस आ गया। इन्फेक्शन इतनी तेजी से बढ़ा कि इनकी एक आंख की रोशनी चली गई। अब इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले इनकी माँ की भी कोरोना से मौत हो गई थी। जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट जो जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहती है, ऐसे पेशेंट में होने की संभावना रहती है। पोस्ट कोरोना फेरोप्टोसिस के वजह से एक आयरन मेटाबॉलिज्म के वजह से जो होता है, जो कोरोना में आयरन मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आते हैं,
उसके वजह से इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में जैसे ही कोई सिम्टम्स आए या छुट्टी होने के बाद भी कोई तकलीफ हो तो सबसे पहले तुरंत डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। तो ब्लैक फंगस या म्यूकोर माइकोसिस इसका नाम है, ये वैसे भी नाक में पाया जाता है, नाक में या कान में आ सकता है, लेकिन इम्यूनिटी लो होने से स्टेरॉयड के कारण डेफिनेटली जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है उसके कारण जो है इम्यूनिटी लो होती है। नाक के आसपास पाई जाती है तो नाक में जो ग्रोथ होता है वो इतना भयानक होता है कि जबड़े को प्रभावित करता है, आँखों को प्रभावित कर सकता है और ब्रेन के नीचे से ब्रेन को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे मॉर्टिलिटी बहुत खतरनाक होती है। मध्य प्रदेश के भी शहरी इलाकों के बाद गांव में कोरोना फैलता जा रहा है। सीहोर जिले की 497 पंचायतों में अभी तक 1608 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। ये है यहाँ का खेजड़ा गांव। यहाँ की कुल आबादी 900 है। कोरोना संक्रमण ने इस पूरे गांव को दहशत में ला दिया है। घर घर सर्दी खांसी और बुखार के मरीजों का मिलना शुरू हो गया है। यहाँ पर दो लोगों की मौत के बाद लोग घर में क्वारंटीन है। एबीपी न्यूज ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की तो लोगों ने सरकार पर अपना गुस्सा फोड़ा। दो मौतें भी हो चुकी हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। बेचारे गरीब लोग हैं, वो डर के मारे छावर सी और नहीं जा रहे हैं। हाँ, बुखार में घर घर में अभी लोग हूं पड़े हुए हैं और शासन की तरफ से कोई आके यहाँ पर देख नहीं रहा है। ना यहाँ पर सैनिटाइजर हुआ है, ना मास्क बांटे गए हैं, किसी ने कुछ भी नहीं करा यहाँ गाँव में। अभी तक कोई देख रेख भी नहीं है, ना डॉक्टर आते हैं, ना कोई आते हैं, ना प्रशासन की तरफ से कोई गाड़ी आती है, ना गांव में मास्क बांटे गए, ना सैनिटाइजर बांटे गए। एक बार में 1500 पीड़ित सामने आए थे जो सर्दी जुखाम के थे। दूसरी बार का सर्वे हुआ, फिर से दोबारा रिपीट किया, उसमें 500 लोग अभी भी पीड़ित हैं जिनको दवाई किट बांटे जा रहे हैं। कुल कोरोना के अलग से किट हैं, पॉजिटिव मरीज होने पर अलग से दवा दी जाती है। यहाँ तक के जो सर्दी जुखाम के मरीज हैं उनके किट भी डोर टू डोर स्वास्थ्य विभाग के और महिला बाल विकास के कर्मचारी बांट रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में संक्रमण रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सभी पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। दावा है कि जहां भी जरूरत होती है वहां लोगों की जांच कराकर कोरोना किट भी बांटी जा रही है। हमने सचिवों की, पटवारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी लगा रखी है। हमारा कोटवार प्रतिदिन लोगों को सचेत कर रहा है, मुनादी कर रहा है और हमारा जो डोर टू डोर सर्वे अभी चल रहा है टीमों के माध्यम से, ये भी लगातार कोरोना को लेकर के सभी ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है। कोरोना महामारी में अब संवेदनाओं की भी मौत हो रही है। ऐसा ही एक वाकया सीकर शहर में सामने आया। ये शव लोगों में संवेदना खत्म होने का उदाहरण है। सामाजिक कार्यकर्ता शिव भगवान कुमावत ने बताया कि 8 घंटे तक महेंद्र नाम के आदमी का शव यहाँ पड़ा रहा। शिनाख्त होने पर पुलिस ने महेंद्र की पत्नी और बेटे को इसकी सूचना दी लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। इसी बीच महेंद्र के भाई भी पहुँच गए। पुलिस ने घटना स्थल पर तलाशी ली तो शव के पास बुखार की दवा मिली। ऐसे में कोरोना संदिग्ध मानते हुए सभी लोग शव से दूर हो गए। भाइयों ने भी शव से दूरी बनाकर रखी। बाद में नगर निगम परिषद की टीम की मदद से पीपीई किट पहनकर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार शव का अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ कमलपा रोड निवासी महेंद्र कुमावत सनो बनवाई लाल कुमावत, जो कि कई सालों से सूरत रहता था और उसकी पत्नी और बच्चे उसके खुद के ससुराल उदयपुरवाड़ी रहते थे, और सुबह 7 बजे उसके परिवार वालों को पता चला कि श्री कुमावत हाथीरीबा बगीची है जहाँ महेंद्र कुमावत नाम से कोई लावारिस लाश पड़ी है। तो परिवार के लोग मोहल्ले वाले आए तो उसकी शिनाख्त की, तो महेंद्र कुमार जो सूरत से आया था वो कोविड संदिग्ध लग रहा था। देश के छोटे छोटे गाँव की रिपोर्ट से साफ है कि लोगों में कोरोना को लेकर कितना खौफ है और कितनी भ्रांतियाँ। अगर देश के गाँव को कोरोना की त्रासदी से बचाना है तो लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो गाँव में कोरोना को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे गांव में कम से कम 20 आदमी तो मर चुका है। यहाँ पे कोई भी टीम नहीं आ रही है। सरकार कहती है गांव-गांव घर घर टेस्ट कर लिया। गांव वाले कहते हैं साहब कोई आया ही नहीं। कौन सच्चा है कौन झूठा आप लोग ही तय करें। जहाँ 10,000 की आबादी में 25 लोगों का टेस्ट हुआ तो क्या ही टेस्ट हुआ।
इसी टेस्टिंग की खाना पूर्ति का सत्य वचन कल संवाददाता संजय त्रिपाठी ने कानपुर से दिखाया, तो आज वहां टेस्टिंग के लिए पहुंच गई टीम, खबर का असर हुआ। एबीपी न्यूज को हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं, उनकी पहल ऐसी रही कि आज हमारे गाँव में एक टीम आई। एबीपी न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके कारण आज गाँव की तरफ शासन की दृष्टि गयी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पर अच्छा काम हुआ है, लेकिन दिल्ली और एनसीआर के 72 गांवों में कोरोना से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कई लोगों की तो मौत हो चुकी है, सैकड़ों की तबियत खराब है, लेकिन यहां भी परेशानी वही है। ना टेस्टिंग हो रही है, ना इलाज हो रहा है, ना ही वैक्सीन है। इला काजमी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का दुजाना गाँव है। रोजाना यहाँ की गलियों में भीड़ भाड़ लगी रहती थी, लेकिन पिछले करीब 3 हफ्ते से गांव सुनसान पड़ा है। कोरोना ने इस गांव को अपना शिकार बना लिया है। पिछले 20 दिनों में कोरोना की वजह से कई गांव वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ग्रेटर नोएडा से सटे दुजाना गांव में इस समय मैं मौजूद हूं और गांव के जो हालात हैं, कोरोना की दहशत यहाँ पर साफ नजर आ रही है। सुबह के समय जो चहल पहल होती थी वो आज काफ़ी ज़्यादा कम सी नज़र आ रही है। दुजाना की अगर ये बात करें सिर्फ, तो लगभग 20 दिनों में 26 मौतें हो गई हैं और उनमें से 19 मौतें युवाओं की हुई हैं। तो गांव में जो है दहशत कोरोना की फैली हुई है। गौतम बुद्ध नगर के 72 गांव में कोरोना से हाहाकार मचा है। गांव वालों के मुताबिक वैक्सीनेशन ना के बराबर हो रहा है। गांव में हजारों लोगों को बुखार है, लेकिन टेस्ट नहीं होने से कोरोना की जानकारी नहीं। एबीपी न्यूज संवाददाता इला काजमी ने यहां गांव वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद से यहां कोरोना का विस्फोट हो गया, लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल यहां के लोगों को आ रही है वो है टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की। सैकड़ों लोगों को बुखार हुआ है, लेकिन टेस्टिंग नहीं होने की वजह से पता नहीं चल पा रहा है कि उन्हें कोरोना है या नहीं। मिनिमम कुछ नहीं तो 1500 लोग गांव के अंदर अभी हैं जिनको बुखार के लक्षण हैं, ऑक्सीजन की कमी चल रही है 100-150 लोगों में। यहां पर मैम टेस्टिंग नहीं हो रही, मेन चीज सरकार इधर ध्यान नहीं दे रही, टेस्टिंग नहीं हो रही है यहां पर। और यहां पर जो कोविड के टीके लग रहे थे वो टीके भी नहीं लग रहे हैं गाँव के लोगों के। गाँव में अनपढ़ लोग रहते हैं, वो कहां से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे? टीका उनके लिए भी तो होना चाहिए। अगर सरकार चाहती है सभी की सुरक्षा के लिए तो टीका उनके लिए भी होना चाहिए। यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि वैक्सीन के लिए रजिस्टर कैसे करें और कहाँ जाकर लगवाएं। आप सोच सकते हैं कि जब शहरों में हालात खराब हैं, तो फिर गांव की कौन पूछता है। कई मृतकों के परिवार वालों को बाद में पता चला कि उनके यहाँ जो मौत हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है। कल बता रहे थे डॉक्टर साहब, जो उनको तो एक दिन बुखार आया था वैसे तो, लेकिन अब बता रहे वो कोरोना ही था, उनको जो लक्षण बता रहे उनके, टेस्टिंग तो कराई नहीं, टेस्टिंग करने कोई आता ही नहीं। आज ले जाते डॉक्टर के ले जाते, बहू भी हमारी किस दिन रही हॉस्पिटल में, बहुत सारे पैसे लगे, कोई उस पर दिक्कत मतलब सारी दिक्कत आ गई और फिर चली गई बेचारी। परसों DM से शिकायत की थी, अब वैक्सीन नहीं लग रहे हमारे यहाँ, बाहर के लोग लगवा रहे हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है ये, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे कुछ, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया, कल भी फोन किया था। और ये हाल केवल एक गांव का नहीं है बल्कि गौतम बुद्ध नगर के 72 ऐसे गांव हैं जहां पर हाहाकार कोरोना ने मचाया हुआ है। यूपी में जो पंचायत चुनाव हुए थे उसके बाद से और भी ज़्यादा जो है गंभीरता बढ़ चुकी है और भी ज़्यादा जो केसेस हैं वो बढ़ चुके हैं, लेकिन कई सारे ऐसे जो केसेस हैं वो अनरिपोर्टेड जा रहे हैं, जहां लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि उनको कोरोना हुआ और उनकी जान चली जा रही है। अगर ऐसी ही स्थिति जारी रही, ऐसे ही हालात गांव में बिगड़ते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के शमशानों में और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगेगी। गौतम बुद्ध नगर के दुजाना गाँव से इला काजमी की रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।